हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे एक हुआ अद्विक। तो आज बनाने जा रहे हैं नवरात्र स्पेशल। फास्ट में हम जो खा सकते हैं स्पेशल, ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है, आप सबको पसंद आएगी। मुझे तो और मेरे हस्बैंड को सबको बहुत पसंद है मेरे घर पे। तो ये है आलू, बॉईल कर लिए मैंने। जो साबुदाना है मैंने 2-3 आवर्स मैंने इसको भिगो दिए थे और इसे हम इस पर मैश कर लेंगे। हम बनाने जा रहे हैं साबुदाना के पकौड़े, तो हम इसे मैश कर लेंगे अच्छे से साबुदाना में। आपको कौन सी रेसिपी पसंद है जरूर लिखकर बताएं। आज हम सबका फास्ट है, आई थिंक आप सबका भी होगा। तो आज ये रेसिपी बना रही हूँ मैं। ये देख सकते हैं, जब आप 2-3 आवर्स अपने साबुदाना को भिगो के रखेंगे तभी अच्छा बनेगा ये। सो हम इसमें मिक्स करेंगे हरी मिर्च, ये ब्लैक पेपर, और आपको इसमें लेना है सेंधा नमक अपने स्वाद अनुसार, जीरा। मेरे पास अभी धनिया पत्ती अवेलेबल नहीं है, नहीं आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। ये रहा सेंधा नमक, आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं, जैसा आपका खाते हैं कम ज़्यादा। और हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये कहीं भी नमक में कहीं भी कुछ ज़्यादा कम ना रहे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसके गोल गोल टिक्कियाँ बनाएंगे और फ्राई करेंगे। तो गाइस, आप इसमें मूंगफली भी क्रश करके, फ्राई करके क्रश करके डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मैंने नहीं डाली है, आप डाल सकते हैं। तो गाइस, आप क्या पसंद करते हैं खाना फास्ट में ज़रूर बताएं। कुछ लोग तो बिना खाना खाए पिए रहते हैं, इस बार मैं नवरात्र के पूरे फास्ट नहीं रह पा रही हूँ क्योंकि मेरे घर पे किसी की डेथ हो गई है मेरे फैमिली में, तो सिर्फ आज का ही फास्ट रखा है। ये देखिए, ऐसे लेंगे और इसको ऐसे ऐसे करके ऐसे बनाएंगे, देख सकते हैं आप, और आप ऐसे कर लीजिए। जिस आपको ऐसे ही बनाना है, छोटा बड़ा ये आपका डिसीजन है कैसा बनाना है। तो गाइस, ऐसे ही करके हम सारी बना लेंगे एक एक करके। मैंने पिछले उसमें बनाया था, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आई थी। देखिए, मैंने गैस पर कढ़ाई चढ़ा दी है, आप इसको दही के साथ, और ठंडियों में तो मूली भी आने लगती है तो उसको भी क्रश करके आप उसको भी खा सकते हैं। इसमें आप दही डाल लें, मूली को कस करके डाल लें तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो गाइस, अगर मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं आपको तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जल्दी जल्दी मेरे वीडियोस को लाइक करें अगर आपको पसंद आ रहे हो तो। बस मेरे पास एक सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए, हमारी तैयारी शॉपिंग वगैरह हो चुकी है, बस पैकिंग करना बाकी है और आधी पैकिंग हो चुकी है। हम कहीं जाने वाले हैं और हम आप वहाँ से रिलेटेड आपके लिए नए नए ब्लॉग्स लाते रहेंगे। तो गाइस, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वैसे आपके बिना मेरा चैनल, मैं कुछ भी नहीं हूँ। विदाउट आपका सपोर्ट मैं कुछ नहीं कर सकती। अभी तक आपने बहुत जैसे मुझे सपोर्ट किया है, प्लीज़ मुझे आगे बढ़ाएं। ये देखिए, मैं सोचती हूँ कि एक दो फ्राई करने के लिए रख दूँ। ये देखिए, हम डालेंगे इसे करके, ये देखिए गाइस, तो धीमी आंच में पकाएंगे ताकि अच्छे से पक जाए, वरना साबुदाना कच्चा रह जाएगा, थोड़ा सा हार्ड होता है। धीरे धीरे जब थोड़ा सा रेडिश हो जाएगा तब हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए गाइस, ऐसे हम पलटते रहेंगे ताकि हर साइड पक जाए। ये देखिए,
तो गाइस ये देखिए इनका कलर रेड हो चुका है। इसे दो दो करके थोड़ा सा और पलट लेंगे। बहुत ही अच्छा कलर आता है, सुनहरा गोल्डन। तो गाइस ये देख सकते हैं, ऐसे करके हमें सारे निकालने हैं, फ्राई कर लेने और फिर इसके आप जैसे खाना चाहें वैसे खा सकते हैं, दही के साथ कैसे भी, आप ऐसे भी चटनी बना सकते हैं, जो धनिया की चटनी बनाते हैं बहुत सारे लोग खाते हैं। तो गाइस जैसे चाहें आप खा सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को लाइक करें अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो। थैंक यू सो मच गाइस।